की मोटरसाइकिल सहित 3 अभियुक्तों को जीआरपी पुलिस ने किया गिरफ्तार भेजा जेल। एसपी जीआरपी ने दी जानकारी। आपको बता दें कि जीआरपी पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब जीआरपी पुलिस ने चोरी की एक बाइक सहित 3 अभियुक्तों को धर दबोचा। इसका खुलासा जीआरपी एसपी अपर्णा गुप्ता ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। एसपी अपर्णा गुप्ता ने बताया कि जीआरपी थाना क्षेत्र में एक चोरी की मोटरसाइकिल की घटना हुई थी जिसकी शिकायत थाने में दर्ज की गई थी। घटना का वर्कआउट किया गया जिसमें चोरी की मोटरसाइकिल को रिकवर करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त सत्येंद्र कुमार निवासी छजलेट, अरुण कुमार निवासी संबल, प्रीतिपाल निवासी संबल, इन तीनों ने मिलकर साठ गाड़ कर मोटरसाइकिल चोरी की। वही घटना का अनावरण जीआरपी पुलिस द्वारा किया गया है। मुरादाबाद जीआरपी थाने पर एक मोटरसाइकिल की चोरी की घटना हुई थी जिसको वर्कआउट करा गया है टीम द्वारा, और इसको अनावरण करते हुए इसमें चोरी की मोटरसाइकिल रिकवर की गई है। 3 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है। ये 3 लोग हैं, सत्येंद्र कुमार जो कि छजलैट का रहने वाला है, अरुण कुमार ये नखासा जिला संभल का रहने वाला है, और प्रतिपाल ये भी थाना नखासा जिला संभल का रहने वाला है। इन तीनों ने मिलकर साठगांठ करके ये मोटरसाइकिल चोरी की थी, और इस चोरी की घटना का सफल अनावरण मुरादाबाद जीआरपी थाना द्वारा किया गया है। इसमें से जो अरुण कुमार है ये ट्रेडिशनल टाइप का गुंडा टाइप का 110 GB इसके ऊपर नखासा के ऊपर है। नखासा थाने में 10, 11, 15, 18 इन सभी सालों में इसने विभिन्न विभिन्न क्राइम किए हैं। और सत्येंद्र कुमार जो है इसके ऊपर भी पहले से आपराधिक इतिहास पाया गया है। छजलैट थाने में एक इसके ऊपर क्राइम दर्ज था, और ये चोरी की वारदात भी इन लोगों ने अभी जो है साथ में इसको कारित किया है।